हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सुबह सभी सुबह के बज चुके हैं 12:45 और हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे होरैन भी उठ गई हैं और ये कर रहे थे अपना लैपटॉप पर कुछ काम, तो फिर मैंने बोला कि पहले मुझे झाड़ू लगाने दो उसके बाद करना, क्योंकि फिर अगर ये बैठ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर सारा दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है। तो इसलिए पहले करेंगे साफ़ सफाई और फिर उसके बाद जो है अपना काम करना। तो यहाँ पे अभी मैं बेडशीट वगैरह लगा रही हूँ, सोचा कि साथ ही साथ में अपना व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। तो चलो करते हैं साफ सफाई। कर लेंगे एक मिनट, हम जल्दी चलो। थूक रही है, कर रही है, गंदी बात। देख रही नोज नहीं है, आई है, आई है, आई नोज, आईस आई आईस आई नोज। ये चौका दे दिया, चौका वन टू थ्री ओ ओया ओया प्लेट में दूं, तरबूज भी दे दूं, तरबूज दोनों साथ में। भिंडी जल रही है क्या? तो लग रहा है हंसी आ रही। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं
मस्जिद में, क्योंकि आज हमारे यहाँ की मस्जिद में है शबे कद्र, कुरान पूरा हो रहा है, कुरान कंप्लीट हो रहा है, तो आज चलते हैं वहीं। यहाँ पे देखिए सभी अपने अपने पानी की बॉटल लेके जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी गली सजी हुई है, ये हमारे घर के बिल्कुल जस्ट पास में ही है ये मस्जिद, मदीना मस्जिद। देखिए पूरा डेकोरेशन है, और आकस नहीं लगा दी, ये कमबख्त इंसान कौन है। Yeah.
मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अपने आप से पूछिए, अपने जमीर को झंझोड़िए और अपने मुर्दा दिल से पूछिए कि आज वो कौन सी ताकत थी, कौन सी ताकत? क्या खालिद बिन वलीद को अपनी जान से मोहब्बत नहीं थी? क्या खालिद बिन वलीद का बाप नहीं था? क्या उनकी माँ नहीं थी? क्या उनकी औलाद नहीं थी? जब सब कुछ मौजूद था तो फिर खालिद बिन वलीद ने अपनी जान की परवाह क्यों नहीं करी? इसलिए कि उनके अंदर ईमान था, ईमान की ताकत थी, रसूल की मोहब्बत थी। जो भी बोलना बोला वो कोई आम सहाबी नहीं, वो सहाबी जिन्होंने हुजूर को देखा, जी बैकग्राउंड अच्छा है, वो सहाबी जिन्होंने गला खराब है। मोहब्बत का शरबत है, है? अच्छा पियो पियो, कैसे स्वाद है, कैसे स्वाद है? तो गाइस कल जिठानी की वीडियो देखी तो उसको देख के तो मुझे भी रोना आ गया, सच्ची ही बताऊँ तो, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमारे घर कितने दूर दूर हो गए हैं। लेकिन घर दूर होने से क्या होता है, दिल तो पास है ना, दिल तो करीब है और हमेशा बरकरार रहेगी ये मोहब्बत। ऐसा नहीं है कि हमारे घर दूर हो गए हैं तो हम भी दूर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और रही बात घर की, तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को कि वो चीज़ हमें मिल नहीं पाई थी, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो पाया, तो इसलिए थोड़ा सा दूरी पे ही मिला है हमें। अगर पहले जो मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा अंदर जाके मिल रहा था। तो कभी जो होता है ना कि बच्चों की याद आती है तो हम बच्चों को घर पे बुला लेते हैं अपने, और या फिर मतलब जेठ जेठानी से मिलना होता है तो उनके घर पे भी चले जाते हैं, वो लोग हमें बुला लेते हैं, तो इस तरीके से मतलब आना जाना चलता ही रहता है। और उनके दादा दादी होते तो उसको भी प्यार मिलता, लेकिन अभी बड़ी अम्मी बड़े पापा हैं उसकी, माशाल्लाह से बहुत प्यार करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। उसकी घर में सबसे छोटी है, वैसे तो इन्नू भी छोटी है लेकिन बच्चे तो सारे एक बराबर ही हमारे लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे नाया हो, आलिया हो या फिर हुरैन हो, सबके लिए एक मतलब सारे बच्चे हमारे लिए एक बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ना, तो मेरे जेठ जेठानी हुरैन से मतलब ऐसा सोचते हो कि नहीं हमारी बेटी नहीं है कुछ भी, वो भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हुरैन से। तो बस यही चीज़ चाहिए होती है ना कि दिलों में हमेशा मोहब्बत बनी रहे, बस यही चीज़ चाहिए। घर चाहे भले दूर हो, चाहे दूसरे शहर में, ऐसे बहुत से लोगों के साथ में ऐसा होता है कि घर बहुत दूर दूर होते हैं, मतलब जैसे हमारी बड़ी अम्मी हैं वो तिगरा में रहती हैं, एक और बड़ी अम्मी जो भोपाल रहती हैं, और चाची वगैरह हैं वो सब गाँव में रहती हैं। तो मोहब्बत तो है ना दिलों में, जब कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई फंक्शन होता है तब वो लोग आती हैं, अच्छे से बैठती हैं, बातें बातें करती हैं, तो ये चीज़ है। और देखो किसी के हाथ में नहीं होता है और किसी को कुछ भी नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाना है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था, ना ही हमारी मम्मी ने कभी सोचा था कि हमारी जेठानी अलग रहेंगी, हम लोग अलग रहेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। गांव में सब लोग इकट्ठी रहती थी लेकिन पापा की ड्यूटी थी, बड़े पापा की भी ड्यूटी थी, तो सब लोग इस तरह से अलग अलग हो गए। अब ऐसे ही हमारे साथ में भी है, ऐसी कई सारी फैमिलीज़ के साथ में ऐसा होता है कि वो अलग हो जाती हैं, लेकिन बस यही है कि जब भी कोई प्रोग्राम हो या भी कोई कुछ भी हो, कभी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो साथ में ही हमेशा रहती हैं। तो बस यही चीज़ है, मोहब्बत हमेशा दिलों में रहनी चाहिए, यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और हाँ, अगर हुरैन के तो मतलब वही था ना कि कल जब मैंने वीडियो देखा था तो मुझे बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था, सारे दिन ही मैं यही चीज़ सोचती रही कि अल्लाह क्यों इतना मतलब इतना दूर क्यों कर दिया हम लोगों को, यही चीज़ लगती है। खैर कोई नहीं, हम लोगों की मोहब्बत देवरानी जेठानी की ऐसी ही बनी रहेगी इंशाल्लाह आगे भी। और कभी मतलब किसी को भी कुछ भी परेशानी होगी तो दोनों एक साथ में हैं, दोनों एक साथ में खड़ी हुए हैं, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है? तो यही है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन प्लॉट वगैरह पास पास में नहीं मिल पाए, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, सिर्फ 10-12 घर छोड़ कर ही है हमारा घर भी, तो कोई बात नहीं।
तो वही चीज़ मुझे अभी यहाँ पे क्लियर करनी थी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं तुम लोग साथ में तो रहना चाहती हो, पर लेकिन वही है ना कि नहीं मिला हमें और इतना दूर दूर हो गई हो, मतलब वही लड़ाई वाले जो काम होते हैं, टोंटबाजी कसना कमेंट्स में, वही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि नहीं मुझे यहाँ पर बात करनी चाहिए, और वही है कि दिल में कोई भी बात ना रहे बस। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, अब मैं कर रही हूँ इस वीडियो का एंड। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।